मादक पदार्थों की धरपकड़ में पुलिस ने पकड़ा 35 लाख की स्मैक बरामद। बरेली एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर चलाया जा रहा है अवैध शराब अफीम गांजा चरस स्मैक की रोकथाम व अपराधियों के विरोध कार्यवाही के तहत क्षेत्र अधिकारी मीरगंज ने जगमोहन सिंह पंजाब नेशनल बैंक कस्बा फतेहगंज पश्चिमी बरेली में हमराए पुलिस बल के साथ मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति राहुल पुत्र राजकुमार निवासी डोईवाला थाना डोईवाला जनपद देहरादून उत्तराखंड को चेक किया गया तो राहुल के कब्जे से 360 ग्राम मॉर्फिन बरामद की गई। स्मैक तस्कर है फतेहगंज पश्चिमी में पकड़ा है। 350 ग्राम स्मैक मिली है इस पर, जिसकी करीब 35 लाख रुपए कीमत है। ये इसे देहरादून ले जा रहा था। यहाँ पर कहाँ से लाया ये सब है, इससे जानकारी की गई है। यहाँ से ले जा रहा था, जिसने इसे दी थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक की जानकारी क्या है, वो पता करा जा रहा है। इसका रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड इसका जरूर निकलेगा तो तब पता चला कितनी बार ये पहले यहाँ आ चुका है। क्या कितनी कीमत हुई थी? 35 लाख रुपए। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।